हाँ, तो मार्वल फुल फॉर्म में जो एक के बाद एक मूवीज और सीरीज रिलीज किए जा रहे हैं, अभी द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज चल ही रही है, उससे पहले जस्ट खत्म हुई थी वोंडा विजन की शो खत्म हुआ था, और अब लोकी का ट्रेलर आ चुका है जो डिज्नी के ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रिलीज किया जाएगा, और इससे पहले ब्लैक विडो का ट्रेलर आ चुका है जो थिएटर्स में रिलीज की जाएगी ये मूवी। तो सबसे पहले बात करेंगे लोकी मूवी के ट्रेलर के बारे में, क्योंकि एज कंपेयर करूं मैं ब्लैक विडो से तो लोकी का करेक्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, तो उसी के बारे में पहले बात करना चाहूंगा। जो इस मूवी के ट्रेलर में देखने को मिला, जो टाइम देखने को मिला, वहां पर जो एंड गेम में लोकी डेजरेट को लेकर भाग जाता है, तो ये वही टाइम यहां दिखाया गया, ये बहुत मुझे अच्छी बात लगी कि टाइम को वहां से कंटिन्यू किया गया। अब देखने वाली बात होगी लोकी जाता का है, जैसे वो जाता है थोड़ा बहुत इसमें दिखाया गया कि वो कुछ लोगों से मिलता है जो टाइम लाइन को सही रखने का काम करते हैं। अब ये कौन है, पहली बार इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कहां से, क्या है, कौन से, मतलब ये कुछ भी नहीं पता। जब ये मूवी आएगा कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा तभी पता चलने वाला है। और लोकी जाके इनसे मिलता है, यहां पर ये लोग बताते हैं कि भैया जो तुम ये आए हो, जो तुमने ये टाइम भी बिगाड़ दिया, इसको ठीक करना पड़ेगा, और ये ठीक करने का काम करते हैं। अब इस ट्रेलर में मुझे एक चीज जो पर्सनली मुझे बात करनी है वो ये वाला जो सीन है, इसके अंदर मुझे ये ब्लैक विडो लग रही है, क्योंकि इसके लाल बाल है, ब्लैक कॉस्ट्यूम है, मतलब ब्लैक विडो जैसा, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्शन फील हो रही है। अगर ये ब्लैक विडो है तो कौन से टाइम की ब्लैक विडो है, लोकी इससे कैसे मिल रहा है, काफी सारे सवाल जो मैं ये सीन देखा तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ गए, यार ये कहां से आ गई, लोकी इससे कब मिलने चला गया। और अगर ये ब्लैक विडो है तो देखने वाली बात ये होगी कि ये इस मूवी में या जो सीरीज है इसके अंदर कर क्या रही है, कौन से टाइम जोन की ये ब्लैक विडो है। और लोकी मूवी के बारे में बात करूं, देखो यार ये सच में मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं इस मूवी के लिए या जो सीरीज के लिए, मुझे नहीं पता है मूवी लाएंगे या सीरीज लाएंगे, मैंने इसके बारे में कुछ भी ज्यादा सर्च नहीं किया, जब आएगा तब इसके बारे में वहां देखेंगे। लोकी का करेक्टर मुझे इसलिए ज्यादा पसंद आता है क्योंकि यार ये इंसान कमीना है, और कमीना तो है लेकिन इसके कमीनेपन में बहुत ज्यादा मजा है, फन है इसके, जब भी ये आता है स्क्रीन के ऊपर एक अलग ही चार्म होता है लोकी का। लोकी मूवी के ट्रेलर में ज्यादा तो स्टोरी का पता नहीं चला है, लेकिन ओवरऑल बात करूं मैं इस ट्रेलर की, इसमें मुझे काफी ज्यादा अच्छी चीजें लगी कि इसमें टाइम को कंटिन्यू रखा गया है, ये काफी चीज अच्छी थी, और इसके अंदर एक्शन सीक्वेंस प्लस कॉमेडी भी होने वाली है जो इस मूवी को और ज्यादा अच्छा बनाता है। एक चीज जो मुझे इसमें कमी लगी वो ये कि इस मूवी को यार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है, एक मन था कि यार इस मूवी को एक बड़े पर्दे पर देखा जाए, खैर ये शायद मेकर्स ही बता सकते हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। और अब अगर बात करें ब्लैक विडो के ट्रेलर के बारे में, जिसमें बहुत अच्छे से बहुत जबरदस्त तरीके से विजुअल और एक्शन सीक्वेंस को दिखाया गया है, सच कहूं तो इस ट्रेलर के अंदर मुझे सबसे ज्यादा चीज जो पसंद आई वो इसके एक्शन सीक्वेंस और विजुअल ही लगे हैं। और एटलीस्ट हमें ब्लैक विडो की कहानी के बारे में पता चलेगा, और जितना ट्रेलर में देखने को पता चला इसकी एक बहन भी है, वो सगी है या सौतेली है या अपनी किसको धर्म बहन बना रखा है, जब ये मूवी आएगी तभी बात करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्लैक विडो में जो एक्शन सीक्वेंस है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, विजुअल बहुत अच्छे लगे, और जब इसको एक बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस करेंगे तो यार ये इसके एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और जो मार्वल फैंस है ये तो उनके लिए खुशी की बात है कि यार अब मार्वल है फुल फॉर्म में है, वो एक के बाद एक मूवीज और सीरीज लाए जा रहा है, और उनके मतलब अपने फैंस का वो अच्छे से ध्यान रखना है, देखो तुम्हें एंटरटेनमेंट की कमी ना हो। लोकी और ब्लैक विडो में मुझे सबसे ज्यादा इंतजार बेसब्री से लोकी मूवी का ही है, जैसा मैंने कहा यार देखो ब्लैक विडो के अंदर जैसा स्टोरी के अंदर देखने को मिला, इस ट्रेलर में देखने को मिला, एक डार्क साइड हमें देखने को मिलती है, सीरियस मूवी मुझे देखने को लगी कि यार इसमें सीरियसनेस होने वाला है, डार्क होने वाली है, लेकिन लोकी की मूवी को देखो यार उसमें ऐसा कुछ डार्क नहीं है, ये बंदा बिंदास है, कमीनापन तो है इसी में, लेकिन फन है यार, एक्शन है साथ में, कमीनेपन के साथ इसमें कॉमेडी भी है। और इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि लोकी में जो कहानी को वो कंटिन्यू रखा गया है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है, लेकिन ब्लैक विडो को पर्दे बड़े पर्दे पे लेके आ रहा, जो अच्छी बात है, मतलब मार्वल वाल जो मार्वल के फैन है उनका थोड़ा बहुत इन्होंने ध्यान रख लिया कि भैया हर मूवी जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं रखेंगे, आप लोगों के लिए थिएटर्स में भी लेके आने वाले हैं। खैर अगर आप लोगों ने मूवी के ट्रेलर देख रखे हैं तो प्लीज बताना कि आप लोगों को सबसे ज्यादा किस मूवी का या किस सीरीज का इंतजार है, और आपको कौन सी मूवी है, कौन सी मूवी का ट्रेलर सबसे ज्यादा पसंद आया। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।